दोस्तों आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम आए हैं सोमानी हुंडई अक्लूज। आज हम यहां पर रिव्यू करने वाले हैं हुंडई वेन्यू यस ऑप्शनल 1.2 पेट्रोल नाइट एडिशन का। यहां पर हम हुंडई का लोगो देख पा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया ग्रिल देख पा रहे, डे टाइम रनिंग लाइट्स देख पा रहे, टर्न इंडिकेटर्स देख पा रहे। यहां पर उसके साथ ही हम प्रोजेक्टर हेडलैम्प देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश दिखते हैं। आपको इस कार में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलती है और टेल लाइट्स आपको एलईडी मिलती है। डे टाइम रनिंग लाइट्स भी आपको यहाँ पर एलईडी मिलती है। यहाँ पर आप इसके फ्रंट लुक्स देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश है। यह है हुंडई वेन्यू का नाइट एडिशन जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है। यहाँ पर हम इसके फ्रंट प्रोफाइल देख पा रहे हैं। यहाँ पर हम इसका बहुत ही बड़े वाला ग्राउंड क्लियरेंस देख पा रहे हैं। नाइट एडिशन बहुत ही सारे फीचर्स के साथ लोडेड आता है। यहाँ पर हम इसके ब्लैक फिनिश के साथ ग्रिल्स ओनली देख रहे हैं। हुंडई का लोगो भी आपको यहाँ पर ब्लैक कलर में मिलता है जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश दिखता है। यहाँ पर हम इसके एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स देख पा रहे हैं। इसके साथ ही हम डे टाइम रनिंग लाइट्स भी यहाँ पर देख पा रहे हैं। हुंडई वेन्यू SX और नाइट एडिशन में आपको सनरूफ मूनरूफ नहीं मिलेगा। इसमें आपको रूफ माउंटेड एंटीना मिलेगा। बॉडी कलर्ड बम्पर्स आपको इसमें मिलेंगे। यहाँ पर हम इसके डे टाइम रनिंग लाइट्स देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश है। यहाँ पर हम इसके स्टील रिम्स देख पा रहे हैं जो आते हैं कवर्स के साथ। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस कार के सस्पेंशन, ब्रेकिंग, टायर्स और स्टीयरिंग के बारे में। आपको इसमें फ्रंट में मिलता है मैकपर्सन स्ट्रक्ट कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन। यहाँ पर हम इसके ORVM माउंटेड टर्न इंडिकेटर्स देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश दिखते हैं। आपको इसमें रियर में मिलता है कपल टॉर्जन ब्रिम एक्सले विथ कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन। यहाँ पर हम इसके डोर हैंडल्स देख पा रहे हैं जो कि बॉडी कलर्ड आपको इसमें मिलते हैं। यहाँ पर हम इसकी साइड प्रोफाइल देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश लगती है। आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है और रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। इसके साथ ही आपको इसमें पावर असिस्टेड इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग मिलती है। आपको व्हील स्टील रिम के मिलेंगे और स्पेयर व्हील भी आपको स्टील रिम का ही मिलता है। इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया ये ब्लैक कलर वाला कवर आपको मिलता है। फ्रंट टायर और रियर टायर की साइज सेम ही रहेगी। इसमें फ्रंट टायर की साइज है 195/65 R15 की और रियर की भी सेम ही है। यहाँ पर हम इसका रियर प्रोफाइल देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश है। रियर में हम बार टाइप टेल लैंप्स देख पा रहे हैं। यहाँ पर हम रूफ माउंटेड एंटीना देख पा रहे हैं। रूफ रेल्स हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर सोमानी हुंडई लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको डिफॉगर मिलता है। रियर वाइपर हालांकि इसमें आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम हुंडई का लोगो देख पा रहे हैं। नाइट एडिशन की बैजिंग हम देख पा रहे हैं। टर्न इंडिकेटर्स और LED टेल लाइट्स हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये कार बहुत सारे फीचर्स के साथ लोडेड आती है और इसके लुक्स भी काफ़ी बढ़िया और दमदार है। हुंडई वेन्यू SX-O 1.2 नाइट एडिशन की एक शोरूम प्राइस है 10 लाख रुपीज़। यहाँ पर हम इसका 195 mm का बहुत ही बढ़िया वाला ग्राउंड क्लियरेंस देख पा रहे हैं। यहाँ पर हम रियर कैमरा देख पा रहे हैं। यहाँ पर सोमानी हुंडई लिखा हुआ है। यहाँ पर हम हुंडई का लोगो देख पा रहे हैं। वेन्यू की बैजिंग हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। कंटिन्यूस बार टाइप LED लाइट्स हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश दिखती है। अभी हम इसका बूट ओपन करने वाले हैं और देखेंगे हमको बूट में कितनी जगह मिलती है। यहाँ से हम इस कार का इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश दिखता है। यहाँ से हम इसके सीट्स देख पा रहे हैं। आपको फ्रंट और रियर में आपको हेडरेस्ट मिलते हैं। यहाँ पर इसका इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम है जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश लगता है। यहाँ पर आप पार्सल ट्रे देख पा रहे हैं। बूट स्पेस हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। आपको इस कार में 350 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। इस सेगमेंट में ये बूट स्पेस बहुत ही बढ़िया माना जाता है। अब हम बात करेंगे इस कार के कैपेसिटी के बारे में। इसमें आपको 5 डोर्स मिलते हैं। यहाँ पर हम इसका स्पेयर व्हील देख पा रहे हैं जो कि स्टील रिम में मिलता है। आपको इस कार में 2 सिटिंग रोज मिलते हैं। इस कार की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 45 लीटर्स की है और इसकी सिटिंग कैपेसिटी 5 लोगों की है। यहाँ पर हम इसके लॉकिंग के अरेंजमेंट देख पा रहे हैं। हुंडई वेन्यू SX-O पेट्रोल नाइट एडिशन बहुत सारे फीचर्स के साथ लोडेड आती है। यहाँ पर हम लाइट्स देख पा रहे हैं। रिवर्स कैमरा देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको डोर हैंडल मिलता है। इससे हम ये डोर क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर हम हुंडई की बैजिंग फिर से देख पा रहे हैं। वेन्यू की बैजिंग भी हम देख पा रहे हैं। टेल लाइट्स हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में। इसमें आपको ओवर स्पीड वार्निंग मिलती है। लेन डिपार्चर वार्निंग आपको इसमें नहीं मिलेगी। इमरजेंसी ब्रेक लाइट्स आपको इसमें मिलती है। अभी ये कार एनकैप टेस्टेड रेटेड नहीं है। इसमें आपको 4 एयरबैग्स मिलते हैं। ड्राइवर फ्रंट पैसेंजर, ड्राइवर साइड फ्रंट पैसेंजर साइड। अभी हम इसके डोर्स की डिजाइन देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल मिरर मिलते हैं। लॉक अनलॉक के बटन्स हम देख पा रहे हैं। विंडोज के कंट्रोल हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर हम लॉक अनलॉक के अरेंजमेंट डोर के देख पा रहे हैं। नीचे आपको बॉटल होल्डर मिलता है। यहाँ पर हम डोर हैंडल देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश है। अभी हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर देख पा रहे हैं। अभी हम अंदर आ चुके हैं। इस कार में आपको TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलती है। अभी हम इसका डोर क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पर हम इसके स्टीयरिंग की डिज़ाइन देख पा रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर देख पा रहे हैं। यहाँ पर हम इसका टच स्क्रीन डिस्प्ले देख पा रहे हैं। हुंडई वेन्यू SX-O 1.2 पेट्रोल नाइट एडिशन में आपको मिलता है 8 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले। ये आता है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ। इसमें आपको इंटीग्रेटेड इंडेस म्यूजिक सिस्टम मिलती है जो आएंगे 6 स्पीकर के साथ। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। यहाँ पर हम इसके AC के कंट्रोल्स देख पा रहे हैं।
इसी के विंड्स हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश लगते हैं। इसमें आपको GPS नेविगेशन सिस्टम, वॉइस कमांड और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। ऑक्सिलरी और AM/FM रेडियो का ऑप्शन इसमें मिलता है। USB कॉम्पैक्टिविटी इसमें आपको मिलती है। वायरलेस चार्जर आपको इसमें नहीं मिलता है। यहाँ पर हम वॉल्यूम ज़्यादा और कम कर रहे हैं। यहाँ पर हम इसका टच स्क्रीन डिस्प्ले देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश है। यहाँ पर हम म्यूजिक के ऑप्शंस देख पा रहे हैं। इस कार में आपको 3 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर्स की मैन्युफैक्चरर वारंटी मिलती है। यहाँ पर हम फिर से इसके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देख पा रहे हैं। वॉल्यूम का बटन हम यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। नाइट एडिशन में आपको इंटीरियर और रूफ पूरा ब्लैक कलर में मिलेगा जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश लगता है। यहाँ पर हम इसके इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर देख पा रहे हैं। बहुत सारे कंट्रोल्स हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। नीचे हम इसके AC के कंट्रोल्स देख पा रहे हैं। टच स्क्रीन डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश लगता है। नीचे से आपको बहुत सारे कमांड्स मिलेंगे। यहाँ पर हम म्यूजिक सिस्टम में बहुत सारे ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पर हमने अभी FM रेडियो स्टार्ट किया है। इसके AC विंड्स की डिज़ाइन भी बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश है। नीचे हम AC के कंट्रोल्स देख पा रहे हैं। उसके नीचे आपको USB चार्जर और 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिलेगा। आपको इस वेरिएंट में वायरलेस चार्जर नहीं मिलता है। गियर नॉब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, कुछ जगह आपको यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर आपको ट्विन कप होल्डर मिलेगा। पार्किंग ब्रेक हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ड्राइवर हैंडरेस्ट के नीचे आपको कुछ जगह मिलती है। ड्राइवर हैंडरेस्ट एडजस्टेबल है, उसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। ड्राइवर साइड सनवाइजर पे आपको मिरर नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम रियर व्यू मिरर देख पा रहे हैं। यहाँ पर हम डैश कैम की डिज़ाइन देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया है। इसके ऊपर आपको इसके कंट्रोल्स भी मिलते हैं। यहाँ पर हम को ड्राइवर सनवाइजर देख पा रहे हैं, उसके ऊपर आपको मिरर मिलेगा। यहाँ पर हम को पैसेंजर साइड डोर की डिज़ाइन देख पा रहे हैं। डोर हैंडल नीचे आपको बॉटल के लिए जगह मिलती है। अभी हम ग्लो बॉक्स की डिज़ाइन देख पा रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ डॉक्यूमेंट्स या सामान रख सकते हैं। ऊपर भी आपको वो जगह मिलती है। यहाँ पर हम फिर से इसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देख पा रहे हैं। अभी हम इसकी कीज़ निकालने वाले हैं। अभी हम चलेंगे इसके रियर सीट्स पर और देखेंगे कि वहाँ पर आपको कितना स्पेस मिलता है और कम्फर्ट आपको वहाँ पर कितना मिलता है। यहाँ पर हम रियर के डोर की डिज़ाइन देख पा रहे हैं। डोर हैंडल यहाँ पर देख पा रहे हैं। विंडोज़ के कंट्रोल यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर हम लॉक अनलॉक का बटन देख पा रहे हैं। नीचे आपको बॉटल होल्डर के लिए जगह मिलती है। यहाँ पर हम इसका रियर AC वेंट्स देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश है। यहाँ पर हम फिर से इसका आगे का इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर देख पा रहे हैं। आपको फ्रंट में केबिन लैम्प नहीं मिलता, आपको बीच में केबिन लैम्प मिलेगा रियर के लिए। हम यहाँ पर ग्रैब हैंडल देख पा रहे हैं। डोर की डिज़ाइन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर हम इसके सीट्स देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया और कंफर्टेबल है। आपको इस कार में फ्रंट और रियर में हेडरेस्ट मिलेंगे। आपको कप होल्डर सिर्फ फ्रंट में मिलते हैं और इसके साथ ही आपको ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज में मिलता है। इसके सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पर हम पार्सल ट्रे देख पा रहे हैं। आपको इस कार में 8-way मैन्युअली एडजस्टेबल फ्रंट ड्राइवर सीट मिलता है। 6-way मैन्युअली एडजस्टेबल फ्रंट पैसेंजर सीट मिलता है। 2-way मैन्युअली एडजस्टेबल आपको रियर सीट मिलता है। यहाँ पर हम लेग रूम देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया है। आपको इसमें सीट फैब्रिक और लेदर के मिलेंगे। इसमें आपको सिंगल टोन इंटीरियर मिलता है। इंटीरियर कलर में इसमें आपको ब्लैक मिलता है। स्प्लिट सीट रेशियो आपको 60:40 मिलता है। अभी हम इसका बोनेट ओपन करने वाले हैं। यहाँ पर आपको बोनेट ओपन करने के लिए छोटा लीवर मिलेगा, इसको खींचते ही आपका बोनेट ओपन हो जाएगा। अभी हम चलेंगे इस कार के फ्रंट की ओर और जानेंगे इसके इंजन और ट्रांसमिशन के बारे में। यहाँ पर हम इसका ब्लैक फिनिश वाला क्रोम देख पा रहे हैं। हुंडई का लोगो यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश लगता है। अभी हम इसका बोनेट ओपन करने वाले हैं। इस कार में आपको मिलता है 1200cc का 4-सिलेंडर इनलाइन 4-वॉल इंजन। इसमें हम पेट्रोल फ्यूल यूज करेंगे। यहाँ पर हम वाइपर वाटर फिल करने के लिए जगह देख पा रहे हैं। ये इंजन प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम पावर ऑफ 82 bhp और ये प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 114 Nm/m। यहाँ पर हम इसका इंजन देख पा रहे हैं। ये आता है फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ। यहाँ पर हम लॉकिंग अनलॉकिंग के अरेंजमेंट देख पा रहे हैं। बैटरी की पोजिशन हम देख पा रहे हैं। इसमें आपको मिलता है 5 गियर्स का मैनुअल ट्रांसमिशन। इसके इमिशन स्टैंडर्ड BS6 फेज 2 के अनुसार है। अब हम बात करेंगे इस कार के ब्रेकिंग और ट्रैक्शन के बारे में। इसमें आपको ABS यानी एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलती है। EBD यानी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मिलती है। ब्रेक असिस्टेंस आपको इसमें मिलता है। इसके साथ ही आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी मिलता है। हिल होल्ड कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी आपको इसमें मिलती है। अब हम बात करेंगे इस कार के लॉक्स और सिक्योरिटी के बारे में। इस कार में आपको इंजन इमोबिलाइजर मिलता है। सेंट्रल लॉकिंग इसमें रिमोट मिलती है। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक आपको इसमें मिलता है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी आपको इसमें मिलता है। दोस्तों अभी हम बात करेंगे इस कार के कम्फर्ट और कन्वीनियंस के बारे में। आपको इसमें फ्रंट और रियर में AC मिलता है। आपको इसमें हीटर भी मिलता है। वैनिटी मिरर्स ऑन सनविजर आपको को ड्राइवर को मिलते हैं। इसमें आपको एंटी ग्लेयर मिरर मिलता है। पार्किंग असिस्टेंस विद रिवर्स कैमरा यहाँ पर हमको मिलता है। यहाँ पर हम इसके टर्न इंडिकेटर्स देख पा रहे हैं। DRLs देख पा रहे हैं।
यहाँ पर नीचे आपको बहुत ही बढ़िया और यूनिक स्टाइलिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर हम फिर से हुंडई का ब्लैक कलर का क्रोम फिनिश के साथ लोगो हम देख पा रहे हैं। ग्रिल बहुत ही बढ़िया दिखती है। इस कार में स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको टिल्ट मिलती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस कार के मिरर वाइपर्स, डोर और विंडोज के बारे में। इसमें आपको ORVMs ब्लैक कलर में मिलते हैं। पावर विंडोज फ्रंट और रियर में मिलते हैं। वन टच डाउन और अप का ऑप्शन आपको ड्राइवर के लिए मिलता है। एडजस्टेबल ORVM आपको इलेक्ट्रॉनिकली मिलते हैं। इसके साथ ही टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVM आपको मिलते हैं। रियर डिफॉगर आपको मिलता है, मगर रियर डिफॉगर आपको इस वेरियंट में नहीं मिलता है। यहाँ पर हम टर्न इंडिकेटर माउंटेड ORVM देख पा रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश लगते हैं। हम यहाँ पर बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल देख पा रहे हैं। रेन सेंसिंग वाइपर आपको इसमें नहीं मिलते। इंटीरियर डोर हैंडल सिल्वर के मिलते हैं। अभी हम इसकी रियर प्रोफाइल देख पा रहे हैं। टर्न इंडिकेटर्स देख पा रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश मिलते हैं। डोर पॉकेट्स आपको इसमें फ्रंट और रियर में मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको मिलता है एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी, लो फ्यूल लेवल वार्निंग, डोर आरआर वार्निंग। इसके साथ ही एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस आपको मिलती है। गियर इंडिकेटर्स आपको इसमें मिलते हैं। शिफ्ट इंडिकेटर्स आपको इसमें मिलते हैं। आपको ये कार बहुत पसंद आएंगी। आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर दीपक फुलारी सर, मैनेजर ऑफ सोमानी हुंडई अक्लूज, ऑल द स्टाफ ऑफ सोमानी हुंडई अक्लूज एंड सोमानी हुंडई ग्रुप। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोमानी हुंडई अक्लूज का एड्रेस और गूगल लोकेशन मेंशन किया हुआ है। आपकी पसंद की हुंडई कार खरीदने के लिए जरूर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स।